हे गाइस, ये है रक्षाबंधन लुक। इसकी फुल वीडियो जा चुकी है मेरे चैनल पे। अब आपको बताने वाली हूँ, गर्मियों में आप मेकअप करते हो तो पसीने की वजह से जो मेकअप केक ही हो जाता है, तो हमारा पूरा मेकअप खराब हो जाता है। इतना मेहनत किया होता है एंड हम मायूस हो जाते हैं कि अब क्या करें, तो सारा मेकअप रिमूव करना पड़ेगा। बट आपको मेकअप रिमूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग ज़्यादा पाउडर यूज कर लेते हैं तो हमारा मेकअप फटाफट सा दिखता है, केक ही दिखने लग जाता है, जिसकी वजह से हमको पूरा मेकअप रिमूव करना पड़ता है। बट मैं एक ट्रिक लेके आ गई हूँ जो जिसमें आपको पूरा मेकअप रिमूव करने की जरूरत नहीं है और बहुत ईजिली आप अपने मेकअप को बचा सकते हो एंड अपना टाइम भी बचा सकते हो। अगर आपका मेकअप पाउडर की वजह से फटाफट सा हो गया है, बहुत हैवी दिख रहा है, तो आपको कैसे कम करना है, तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक। चैनल है, वीडियो होने वाले काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर सबके साथ होती है गर्मियों के टाइम पे मेकअप करते वक्त। तो इससे ये जो ट्रिक है ये मैं बताने वाली हूँ, इससे आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग होगा और जो फटा हुआ मेकअप होगा वो भी मैनेज हो जाएगा और दोबारा से आपका मेकअप वैसे का वैसे दिखने लग जाएगा जैसा कि आपको चाहिए था। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो रक्षाबंधन पे सबसे पहले तो अगर आप नई नवीली ब्राइडल हैं और अपना राखी वाखी बांधना है, थोड़ा सा लुक को अच्छा बनाना है, तो आप ये मेकअप ट्राई कर सकते हो। लड़कियों आप घबराइए मत, आप लोग के लिए भी मेकअप बहुत जल्दी लेके आऊँगी, बिल्कुल लाइट सा ग्लोसी सा मेकअप। तो ये तो है शादीशुदा औरतों के लिए मेकअप एंड कुंवारी लड़कों के लिए भी मेकअप बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले जो मैं टिप्स बताने वाली हूँ वो बता दूँ। तो आपको लेना है स्पंज एंड अपना सेटिंग स्प्रे। अगर आपका मेकअप फटाफटा केक ही हो गया है, एक्चुअली जो मेकअप आप देख रहे हो ये भी बहुत हैवी हो चुका था एंड सारी जगह से पाउडर दिख रहा था और मुझे लगा कि मेकअप ख़राब हो गया, बट मैंने ये ट्रिक यूज़ किया और मुझे फ़ायदा मिला, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। तो आपको क्या करना है, स्पंज पे लेना है सेटिंग स्प्रे इस तरीके से और स्पंज को थोड़ा सा इस तरीके से दबा लेना है और जहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा मेकअप लग रहा है, पाउडर दिख रहा है, वहाँ जैसे मेरा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप हल्का हल्का सा इस तरीके से टैप कर दोगे तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाएगा और जहाँ भी केकी मेकअप है वो मैनेज हो जाएगा और फिर से आपका जो मेकअप है वो नॉर्मल दिखने लग जाएगा, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा। तो ये ट्रिक बहुत कमाल की है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा जिनका भी मेकअप फट जाता है। अक्सर गर्मियों में प्रॉब्लम आती ही आती है, अगर आप बैगिनर शो मेकअप करना सीख रहे हो तो आपका जो मेकअप है वो हम लोग ज़्यादा पाउडर यूज करने के चक्कर में और अपना बहुत एक्स्ट्रा फेयर दिखने के चक्कर में मेकअप को ख़राब कर लेते हैं, मेकअप फट जाता है, केकी हो जाता है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर लोगे एंड हाइलाइटर वगैरह कुछ भी आपका नहीं जाएगा और मेकअप सेट ही होगा और जो बस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो आपके फेस पे दिख रहे थे वो रिमूव हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी इस तरीके की हेल्पफुल ट्रिक्स एंड टिप्स देखने के लिए चैनल को अभी से कर लीजिए फॉलो एंड फॉलो यानी कि सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन डे बाय डे आपके चैनल पे इसी तरीके की वीडियोस की जाती रहे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, सेकंड चैनल पे जरूर जाइए, सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियो यहाँ पे लेकर आने वाली हूँ मैं डे बाय डे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।